मला खूप रडायलंय ते काय सांगू तुम्ही हे झाले झाले मग वेलकम बॅक गाईज इन अनदर व्लॉग. सो आज आमचा फेअरवेल आहे आणि आम्ही ऑफिशियल लास्ट डे आमचा इंजिनिअरिंगचा. आणि हे बघा आमचे टीम मेंबर्स सॉरी प्रोजेक्ट मेंबर. आणि काही कसं वाटतं आज लास्ट डे तर जरी मी 3 वर्ष कॉलेजमध्ये असतो मी 4 वर्ष एक्सपिरियन्स मी डायरेक्ट शिकत तरी पण भरून येत आहे. नवीन मित्र मला भेटले त्यांनी मला खूप सांभाळून घेतलं. मी त्यांचं आभारी की त्यांनी माझ्या नालायकाला सांभाळून घेतलं. मला रडायला येत आहे पण आम्ही आता दाखवू शकत नाही नंतर दाखवू आता पुढच्या. आणि अजून एक गोष्ट, काल आपला रिझल्ट लागला तर मग कसं वाटतं? रिझल्ट मला वाटतं रिझल्ट चुकीच्या दिवशी लावला. आज आमचं लास्ट डे आणि कालच रिझल्ट लावलाय. खूप लोक पास झाले, खूप लोकांनी खेट आहेत, दुःखी आहेत. माणूस काय नाही, लोक रिव्हॅल्युशन मध्ये टाकून द्या माझ्यासारखं पास होऊन समीक्षा कसं वाटतं आज? आनंद होतो तोंडावर हसू तोंडावर हसू आणि काय किती किती मोठे बोल सारी उमर मैं जो कर जब रे हार हे बघा आमच्या समृद्धी आज आपला फेअरवेल आहे तर कसं वाटतं तुला? या कॉलेजने तुला 2 व्हॅल्युएबल गोष्टी दिल्यात तर मग तुला कसं वाटतं? एक व्हॅल्युएबल गोष्ट म्हणजे तुझा जॉब आणि दुसरी म्हणजे तुझी डिग्री. मला खूप छान वाटतं आणि बस मला खूप छान वाटतं कारण मी एक तरी डिग्री केली आणि मला अजून एक डिग्री पण करायची आहे. भूषण हे काय एवढे चीज लोक आपले बस बी डिव्हिजन इतने की बहुत बुरा लग रहा मुझे बी डिव्हिजन से लोग नहीं दिख रहे पता नहीं अभी बाद में आएंगे या नहीं आगे जाना आगे. मीर कसं वाटतं तुला? अरे एकदम मस्त वाटतंय. तुमचा ब्लॉग बघून आम्हाला पण खूप. नाही नाही आज आपला शेवटचा ऑफिशियल दिवस आहे तर कसं वाटतंय तुला? एकदम बरे वाटतंय आम्हाला एकदम. सगळ्यांना आता लास्ट टाइम बघणार एक्झामला भेटणार आहेत पण बरं वाटतंय. काही लोकांना बघितलं आवडत नाहीये पण ठीक आहे आज शेवटचा दिवस म्हणून ऐकून घेतो. चला अक्षता कसं वाटतं लास्ट आज आपलं? आज आमचं खूप मस्त वाटतंय पण थोडा दुःख भी आहे की जाणार आहे. मला खूप रडायलंय ते काय सांगू तुम्ही? हे झाले झाले मग आता घे म्हणजे ना मला खूप आनंद झाला कारण आता परत कॉलेजला यावं लागणार आहे आणि एक्झाम्स पण नसणार आहे. पण दुःख पण होते की आता हे म्हणजे फ्रेंड्स वगैरे कोण भेटणार आणि शेवटचं फंक्शन आहे कॉलेजचं. दुःख होते रडायला पण ते अश्रू सर येत नाही. रतन भाई कसा लग रहा है तुझे? मगाशीच पण टाक. श्रद्धा कसं वाटतं तिला आज फेअरवेल आहे? खूप अजबीचं हसणं झालं एवढ्या लोकांत किती फोटो काढतोय आम्ही. थँक्यू. अच्छा फोन आहे बेस्टीचा फोन आहे गाईज बेस्टी बेस्टी. अरे दाखवायचं वैभव कसं वाटतंय तुला आज? वैभव मला पण घे ना. सो साक्षी आज फेअरवेल आपला ऑफिशियल लास्ट डे आपल्या कॉलेजचा तर तुला कसं वाटतंय? मस्त वाटतं एकदम नॉस्टॅल्जिया फील होतं. रो मध्ये हा बेटा कोई बात नहीं बेटा अभी सही करवा देंगे आप रो नहीं है ना ये लोग गंदे लोग हैं ना. Nizam, you are very honored, right? I am very hot. I am very hot. क्या तू पप्पा को दिखा दो? अभी अभी पप्पा को भेजेंगे. अभी तो तेरे पापा को लिंक भेज दूंगा. हेलो अंकल लिंक देख लो. हेलो अंकल इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी देख लो.
काय झालं जान्हवी सिद्धेश कैसा लग रहा है भाई लास्ट सॉरी फेयर में? आप इंजीनियरिंग में क्या सीखे चार साल में? KT1 लगाना। हाँ ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं। हाँ फीस ओपन वाले भर रहे हो ना वसूल करके जाओ। हाँ बस इतने और कुछ नहीं। और कुछ बोलूंगा तो थोड़ा इंडेक्ट हो जाएगा। और अगर KT लगा भी तो यू नो दैट यू कैन क्लियर एवरीथिंग। कोई सीन नहीं है। टीचर्स को अच्छा रिलेशन रखो। टीचर्स को बोलो मैम थोड़ा बड़ा के दो बड़ा के दो हो जाता है ऐसा। तो सब कुछ क्लियर। टेंशन लेने का नहीं। या गेट गुड एट नेगोशिएशन। यू शुड बी डॉक्टर जयशंकर। वेन यू हैव टू बी सच अ डिप्लोमैट वेन यू आर गोइंग आउटसाइड और इवन इन कॉलेज यू हैव टू बी अ डिप्लोमैट। यू हैव टू बी नाइस टू एवरीवन। सबसे कुछ नहीं ए भाई असाइनमेंट दे रहे हे भाई तू ये दे रहे वो दे रहे ऐसा करने का। सबके साथ रिलेशन अच्छा रखने का। दैट्स माय मैसेज। थैंक यू। नमश्री कसं वाटतंय आज फेअरवेल आहे आणि फायनली तुला काय इंजिनिअरिंग मध्ये शिकायला भेटलं? खूप जास्त छान शिकायला मिळालं। जे पण शिकायला मिळालं चांगलं शिकायला मिळालं। बाय निहाल कैसे लग रहा है आज जो ऑफिशियल आखिरी दिन है हमारे फाइनली खत्म हो रहा है। कल रिजल्ट लगा और हम लोग पास हो गए फाइनली। कैसा लग रहा है? जैसे कि देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सब आठ बंदों का प्लेसमेंट हो गया है। जैसे कि आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? अच्छा सिलेक्ट कंट्रोल सॉरी गलत माइक हाथ में आ गया था। आपका कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? और हमारा तो कुछ नहीं हुआ जैसे कि देख सकते हैं। गाइस इनका स्टार्टअप है जिन्हें और क्या चाहिए। जेब में कुछ नहीं है। जेब में कुछ नहीं है। और आपका कहाँ पे हुआ है? मेरा ITC में हुआ है और डिलॉइट में भी हुआ है। और गुडीज भी मिला है अभी इन्होंने अनबॉक्सिंग भी किया। क्या मिला गुडीज? लाइक में गया फिर किया ना मैंने लाइक इसलिए तो बोला मैं। हर्षी सिरप और सकू भाई आज आमच्या ब्लॉग मध्ये पुन्हा येत आहेत खूप वर्षांनी। साक्षी कसं वाटतंय तुला? काल रिझल्ट लागला साक्षीला 9 पॉइंटर भेटलाय। हर्षिताला पण चांगला पॉइंटर भेटला 8 पॉइंटर भेटलाय। माझा पॉइंटर मी सांगत नाही मित्रांनो पण जाऊ द्या चांगलंच आहे। चांगलंच आहे। ओरिजिनल पार्टी ग्रुप पास हो गए। मग आता कसं वाटतंय तुम्हाला शेवटचा रिलॅक्स आणि नॉस्टॅल्जिया? तेच आता मग आता साक्षीला आम्ही हसताना पुन्हा बघू नाही शकणार हे मला खूप दुःख वाटतं। आणि हर्षिताला आम्ही आता बॉयफ्रेंड आम्ही गेल्या 4 वर्षापासून हर्षिताला बॉयफ्रेंड शोधतोय पण फायनली भेटला नाही। एक 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 लड़के को दो लड़के को ढूंढे थे बट एक ने दूसरे को पटा दिया और एक सबको पटा रहा है। समझ ये नहीं बोलना था। कॉलेज ने तुझे क्या क्या दिया? कॉलेज ने आपको क्या क्या आपने 4 साल में क्या क्या सीखा? आई गॉट एक्सटेंशन। I got good friends like Omkar and like Harshita. Harshita पहले से ही friend थी तेरी? नहीं सबसे ज्यादा bonding हमारी कॉलेज में। अच्छा इनकी bonding इस कॉलेज में रहने की वजह से हमारा bond ज्यादा बढ़ गया। और कुछ नहीं आपको ये 4 साल में सबसे ज्यादा मजा बीचिंग करने में खुशी आपको कैसा लग रहा है आज फेयरवेल है हमारे कॉलेज का? और 4 साल के इंजीनियरिंग में आपने क्या क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि एग्जाम से बिना पढ़े कैसे पास होते हैं। एक ही क्वेश्चन का आंसर सारे क्वेश्चन कैसे छोड़ते हैं और फिर भी वो ग्रेट लगता है। बोलने का कैसा लग रहा है? स्पीचलेस बोलना फोन उघडून दे। बस तुझे कैसा लग रहा है? बस मैंने सनग्लासेस इसके लिए रखे हैं मेरे को रोना आ रहा है। सनग्लासेस मैंने इसके लिए रखे बहुत रोना आ रहा है। बहुत आखिरी दिन है मेरे को हंस रहा है। ऐसे तो डीवाई है अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं भी लग रहा है आखिरी दिन है। अच्छा इस बात का लग रहा है बकचोदी करने नहीं मिलेगी। अच्छा नहीं भी लग रहा है क्योंकि बकचोदी करने नहीं मिलेगी।
और ओमकार हमको ऐसा मिलता नहीं रहेगा कैमरा में लेने के लिए हमेशा,